तो आज के इस लेक्चर में हम डीपली बात करने वाले हैं टाइम जोन के बारे में कि हम टाइम जोन कैसे यूज करेंगे लारावेल में, कि टाइम जोन के बेसिस पर हमें बेसिकली अपना शेड्यूल जो है डेट या डेट टाइम जो है हमें शो कराना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि हमें टाइम जोन को कैसे सेव करना होगा अपने डीवी के अंदर। ठीक है, कैसे हमें शो कराना होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइम जोन। लाइक आप मान के चलिए अभी मैं लाइक इंडिया में हूँ। ठीक है, अगर मैं इंडिया से कोई भी डेटा इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं आगे चल करके अपने कनाडा या यूएसए या कहीं पर भी चला गया और फिर मैं वहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या मैंने जो डेटा इंसर्ट किया था वो मैं अब कनाडा आ चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से जो टाइम है वो अब क्या शो होना चाहिए। ठीक है, तो उनके बेसिस पर हम बात करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप डीवी में कैसे स्टोर कराओगे और कैसे शो कराओगे। ठीक है, तो सब ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सेव यूटीसी मिलीसेकंड्स इन डीबी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है टाइम जोन के लिए हमें क्या करना होता है, मिलीसेकंड्स को सेव कराना होता है। ठीक है, मिलीसेकंड्स क्या होती हैं बेसिकली, मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर के जा करके दिखाऊंगा, मिलीसेकंड्स के बारे में बताऊंगा। वहां पर क्या होता है आपकी मिलीसेकंड्स होती हैं लाइक कुछ बड़ा सा नंबर होता है, अगर उसको हम लाइक 10,000 हम 1,000 से डिवाइड करते हैं तो वो 10-11 का होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि हमें मिलीसेकंड सेव करानी होती है अपने डीवी के अंदर। ठीक है, एंड हाउ टू कन्वर्ट यूटीसी मिलीसेकंड्स इनटू लोकल डेट टाइम। अब क्या होता है, जो हमने मिलीसेकंड सेव कराई है अपने डीवी के अंदर, जो कि हमें टाइम जोन के बेसिस पर हमें शो कराना है यूजर को डेट एंड टाइम, तो उसके उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा अपने लोकल डेट टाइम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया से मैंने कोई डेटा इंसर्ट किया था, मैं कनाडा में जाकर के उसे देख रहा हूँ, तो कनाडा के टाइम जोन के हिसाब से वो मेरे को शो करना चाहिए कि हाँ अब ये मेरा टाइम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक डेमो दूंगा, डेमो के बाद मैं आपको ये सब बात जो है क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले डेमो देख लीजिए, वो आपको पसंद आएगा। तो जो मेरा डेमो है बेसिकली एक अपॉइंटमेंट वेबसाइट है। अब अपॉइंटमेंट वेबसाइट है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया से भी कोई बुक कर सकता है अपॉइंटमेंट, कोई कनाडा, कोई यूएसए, कोई कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और ये मेरा ही बेसिकली अपॉइंटमेंट है, यहाँ से आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बट मेरा जो पर्पज था आज आपको टाइम जोन के बेसिस पर समझाने का, जिसमें मैंने अपना टाइम जोन फंक्शनलिटी अप्लाई की है कि टाइम जोन के बेसिस पर कैसे मेरे पास अपॉइंटमेंट सेट होगा, कैसे यूजर को पता चलेगा कि कौन उसका कौन सा टाइम है, लाइक वो अपने तरफ से दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ जो भी मेरी वर्किंग है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, इसका ना एक एडमिन है। ठीक है, अब एडमिन क्या करता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की डेट्स डालता है कि मेरा अपॉइंटमेंट इस डेट को है और उसकी अवेलेबिलिटी ये टाइम पर होने वाली है। ठीक है, अब मैं मान के चलिए मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, अब इंडिया का जो टाइम देखोगे, लाइक मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली क्या है ना, रिकॉर्डर उधर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊँ आपको, यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइक डेट टाइम, यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, चेंज डेट टाइम पर यहाँ पर देख पा रहे हो अभी आ रहा है 23/27। ठीक है, 23/27 आ रहा, जो कि मेरे सिस्टम के हिसाब से 23/27 5 जून 2023। ठीक है, अभी लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से एडमिन है और यहाँ से 5 तारीख का मीन्स आज का ही मैं जो है अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ यूजर के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली ओपन टाइम है। अब ओपन टाइम में लाइक अभी देख सकते हो इंडिया में अभी नाइट हो रही है और यहाँ पर 23 आवर्स पर चल रहा है। ठीक है, मीन्स अभी 11:28 हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में देखा जाए तो 11:28 हो रहा है, अभी यहाँ पर 27 है, क्योंकि अभी मैं जैसे इसको बंद करके रिफ्रेश करूंगा ना, मीन्स क्लोज करके अगेन स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर 23:28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली ये करंट उठाता है, लाइक मैंने 23 लेकर के लाइक मैं करता हूँ अपॉइंटमेंट 11:30 का। ठीक है, 11:30 मेरी ओपन टाइमिंग रहेगी एंड जो ऑफ टाइमिंग रहेगी, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर इसका कर दिया 45 का कर देता हूँ। ठीक है, ये 11 से 11:30 से लेकर के 11:45 तक अभी मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए मैं शेड्यूल पर जाता हूँ, जहाँ पर मेरे शेड्यूल हुए हैं, अब देख सकते हो मेरा जो शेड्यूल हुआ है आज का, जो मेरा अपॉइंटमेंट था जो मैंने सेट किया है वो 6 जून 2023। ठीक है, ओपन टाइम क्या रहा है 11:30, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां पर मैंने क्या सिलेक्ट किया था 23:30। ठीक है, और यहाँ पर क्या था 23:45 वहां पर जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर क्या है 11:30 PM एंड 11:45 PM, जो कि आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे इंडियन के टाइम के हिसाब से। ठीक है, जो कि मैं अपना टाइम बता करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा शेड्यूल हो चुका है इंडिया के बेसिस पर, अब लाइक मान के चलिए मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस पर लाइक मान के चलो ये कनाडा में शो होता है, कोई मेरे साथ अपॉइंटमेंट सेट करना चाहता है कनाडा के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, बेसिकली वो वेबसाइट पर आएगा मेरे पास। अभी क्या होता है, बेसिकली साइट रिफ्रेश हो रही है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो साइट रिफ्रेश हो चुकी है, अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट सेट किया 5 तारीख का, जो कि आज का था।
अब यहाँ पर देखोगे अवेलेबिलिटी क्या आ रही है 11:30 की, क्योंकि अभी जो है मैं इंडिया से देख रहा हूँ। अब मैं इसे कैसे चेंज करूँ कि मैं इसको कनाडा से देख रहा हूँ, उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पर मैं अपना सिस्टम का डेट टाइम चेंज कर देता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी जो टाइमिंग है अभी अवेलेबिलिटी जो है इंडिया के हिसाब से आ रही है, ठीक है। बट ये जो वेबसाइट है अगर कनाडा से ओपन करता या कोई यूएसए से ओपन करता तो उसके टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पर टाइम आना चाहिए था कि भाई मेरे साथ ये अवेलेबिलिटी होने वाली है, और इंडिया में तो मैं हुई तो मेरे पास एक मेल आएगी तो वो मेरे को बता देगा कि हाँ आपके साथ ये अवेलेबिलिटी सेट हुई है, ठीक है, मीन्स इस टाइमिंग पर। तो यहाँ पर देखोगे अगर मैं इंडिया को चेंज करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैनेडा, ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए कनाडा के काफी सारे यहाँ पर जो हैं बेसिकली आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो ईस्टर्न टाइम, यूएस, कनाडा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक होता है पेसिफिक, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पेसिफिक टाइम। जरूरी नहीं है मैं पेसिफिक टाइम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप भी पेसिफिक टाइम सिलेक्ट करो, आप अनदर अनदर कंट्रीज में देख सकते हो, जो आपका टाइम जोन है वो आप अपने सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरा जो है देख सकते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, पेसिफिक टाइम चूज किया मैंने कनाडा। अगर मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करता हूँ करंट डेट टाइम इन स्पेसिफिक टाइम इन कनाडा, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अभी क्या बोलता है 11, देख सकते हो यहाँ पर गूगल भी आपको बता रहा है पेसिफिक टाइम इज कनाडा का वो है 11, और जो कि मैंने अभी भी सिलेक्ट किया यहाँ पर यूएस का कनाडा, यहाँ पर 11:01 हो चुका है, तो अगर मैं इसको दोबारा हिट करूंगा यहाँ पर 11:01 बता देगा, ठीक है, अभी प्रॉपर है यहाँ पर 11:01 हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर अभी क्या था, मेरा एडमिन है तो मैं अपना एडमिन कनाडा में भी ओपन कर सकता हूँ, तो मेरा जो है यहाँ पर भी देख सकते हो टाइम चेंज हो रहा है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्या हुआ 11 AM, पहले क्या था इंडिया के हिसाब से यहाँ पर आ रहा था PM आ रहा था, बट यहाँ पर देख पा रहे हो 11 मीन्स यहाँ पर 11:01 क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था जो इंडियन इंडिया के हिसाब से था वो था 11:30, ठीक है, 11:30 PM, बट कनाडा के हिसाब से देखा जाए तो ये बन चुका है 11 PM, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पर इसलिए आपको ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया था इस टाइम पर, ठीक है। तो अब कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये 11 AM पर स्टार्ट किया था कनाडा में और 11:15 पर इसका एंडिंग होगा, ठीक है। तो 15 मिनट का इंडिया में डिफरेंस था और 15 मिनट का ही कनाडा में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो मेन बात जो थी कि मैंने यहाँ पर इंडिया के हिसाब से देख पा रहा हूँ और कनाडा के हिसाब से भी देख पा रहा हूँ। अब मान के चलो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, भले ही रिफ्रेश नहीं करता तो भी वो दिखा देता, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर भी देखो पहले क्या था यहाँ पर 11:30 PM की अवेलेबिलिटी थी इंडिया के हिसाब से, बट अभी यहाँ पर जो मेरा टाइम जोन चेंज हो चुका है जो कि है पेसिफिक टाइम इन कैनेडा, ठीक है, तो 11 AM चल रहा है। अब ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मली कि यहाँ पर टाइम जो है अब ज्यादा हो चुका है क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट मैंने 11:30 का सेट किया था, अगर इंडिया के हिसाब से बात की जाए तो अभी 2 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पर देख पा रहे हो 2 मिनट बैक बैक में भी है क्योंकि यहाँ पर कनाडा का अभी होगा यहाँ पर चेक कर लेते हैं अभी भी 11:01 है, ठीक है, तो यहाँ पर 11 चल रहा था, 1 मिनट का हमने फासला दिया था तो हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी मैंने किया वो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के हिसाब से देखूंगा तो मेरा इंडिया का टाइम यहाँ पर शो होगा, लोकल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कनाडा में हूँ या यूएसए में हूँ अगर उधर से देखूंगा तो उनको वो वाला टाइम दिखाई देगा। और अभी आप ये भी गौर करो कि यहाँ पर जो है AM और PM चेंज हो रहा है, मैं इंडिया में हूँ तो मेरे को PM बता रहा है क्योंकि अभी PM चल रहा है, बट कनाडा में देख रहे हो तो यहाँ पर AM है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको कोड देखना ज्यादा जरूरी है, मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं, कैसे मैं AM PM को चेंज कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको स्टोर करा रहा हूँ, वो मैं एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। ये मेरा था डेमो, अगर मैं अब बाय द वे मान के चलिए मैं इसको इंडिया में कन्वर्ट कर देता हूँ जो भी मेरा इंडिया का था, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं इंडिया के में, इंडिया इंडिया इंडिया, हाँ न्यू दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, तो ये हो चुका है 23:33, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो है अब हमारा होगा 11:30 का सेट था, ठीक है। अब मैं देखो अभी यहाँ पर था कनाडा का, जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इंडिया जोन में आ चुका हूँ तो अब 11:30 हो चुका है, ठीक है, 11:30 PM हो चुका है, हालांकि अब इंडिया में जो टाइमिंग हो रही है वो देख सकते हो 11:23:34 हो रही है, 23:34 11:34, अब हमारा जो टाइमिंग सेट थी अपॉइंटमेंट की वो 11:30 थी, निकल चुका है ये अपॉइंटमेंट और अभी भी चल रहा है, ठीक है, अगर किसी को अवेलेबिलिटी बुक करनी थी तो कर सकता था, ठीक है, अभी भी है अगर कोई बुक करना चाहता है, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करूंगा अभी भी यहाँ पर 11:30 आएगा, 11:30 की अवेलेबिलिटी है, बुक भी कर सकता है इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैं इसको वर्क कैसे करा रहा हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है, सबसे पहले देखिए मैं शेड्यूल्स में जो है
मैंने क्या किया हुआ है वो दिखा देता हूँ। जब कोई यहाँ से एडमिन एडमिन जब भी कोई अपॉइंटमेंट सेट करता है, लाइक यहाँ से इसने डेट सेलेक्ट की, यहाँ से इसने टाइमिंग सेलेक्ट की, लाइक टाइमिंग यहाँ से इसने सेलेक्ट कर ली, ये समथिंग जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इनको ना मैं मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यूटीसी मिली सेकेंड्स। अभी देखिए एक वेबसाइट है जो कि आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, करंट मिली सेकेंड डॉट कॉम, लाइक करंट मिलीज डॉट कॉम होता है इसका बेसिकली नेम, करंट मिलीज, हालांकि इसको हम बोलते हैं करंट मिली सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप कि ये क्या है, इसके लिए करंट मिली सेकेंड है जो कि करंट टाइमिंग का आपको परफॉर्म करके यहाँ पर डेटा देता है। मीन्स यहाँ पर ये बेसिकली इतना बड़ा जो नंबर है वो मिली सेकेंड्स में है, ठीक है, करंट मिली सेकेंड्स जिसे आप बोल लो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, डेटाबेस में आपको क्या स्ट्रक्चर रखना है, कभी भी आप टाइम जोन के साथ अगर आप रखना चाहते हो कोई एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड बना रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यूटीसी डेट सेव किया हुआ है, मीन्स यहाँ पर मैं यूटीसी फॉर्म में डेट सेव करा रहा हूँ। और यहाँ पर देखोगे ओपन टाइम, यहाँ पर मैंने यूटीसी वगैरह नहीं लगा रखा है, बट यहाँ पर मैं यूटीसी मिली सेकंड जो है स्टोर करा रहा हूँ। अब इसका जो टाइप मैंने रखा है वो बिग इंट एंड 20 बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, अगर आप नहीं लिमिट सेट करोगे तो भी इसकी लिमिट जो है 20 ले लेगा, ठीक है, तो बिग इंट रख लेना आप, ठीक है। अब जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है उसकी फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो जो डेट थी मेरी वो ये थी, और यूटीसी डेट मैंने सेव करा के रखी हुई है, लाइक अगर मैं इसको करंट मिली सेकंड में जो है यहाँ पर कन्वर्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि आपको ये दिखा दे रहा है डेट, ठीक है, डेट दिखाई दे रही है, ठीक है। सॉरी मेरे को यहाँ पर डेट के लिए अभी यहाँ पर तीन वो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मेरा लोकल टाइम जो है 5 जून 2023 आ रहा है। अभी टाइमिंग क्यों, टाइमिंग 00 क्यों आ रही है, क्योंकि गाइज मेरी ये कंडीशन थी, मैंने इसमें यहाँ पर रखा हुआ है कि जब डेट स्टोर हो उसमें टाइम और हावर्स मिनट सेकंड उसमें 0 जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर 00 हो रहा है, ठीक है। हालांकि ओपन टाइम में दिखा देता हूँ ओपन टाइम क्या है हमारा, लाइक इसको मैं आता हूँ यहाँ पर और 30 लगाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 11:30 बजे की थी, ध्यान है ना आपको, 11:30 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, जो कि 5 जून, ठीक है, और 23:30, जैसा कि आपको पता होगा 23:30 पर मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, ठीक है, मीन्स इंडिया से, ठीक है। अब लाइक जो मैंने कहाँ तक किया था, मेरा जो ऑफ टाइम रहा था वो मेरा रहा था 45 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 45 तक का देखूंगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो 30:45 तक का, मतलब ये करंट टाइम मिली सेकंड हमारा जो करेक्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे स्टोर हो रहा है और ये कैसे करवाना है वो मैं आपको कोड के बेसिस पर ही आपको करा के दिखाऊंगा, तो चलिए मैं कोड को ओपन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी बना बनाया कोड है, ठीक है, तो समझने की बात करिएगा, मैं यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब मैं इन पर किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ, ये जो मेरा टाइम चेंज हो रहा है, लाइक यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, तो मैं एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ट्रिगर करवा रहा हूँ, जो कि क्या करता है, लाइक अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, हिडन फील्ड में वैल्यूज जा रही हैं, जो कि बेसिकली अभी आप देखोगे ये जा रही है ना वैल्यू, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वैल्यू जा रही है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यूटीसी मिली सेकंड। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ, लाइक यहाँ पर ओपन करूँ 1 2 3, ठीक है, 1:39 5 जून, क्योंकि यहाँ पर 5 जून 1:39 क्यों आ रहा है, क्योंकि गैस यहाँ पर देखोगे 5 जून हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी 5 जून एंड 1:39, ठीक है, उसका प्रॉपर एग्जैक्ट आपका यूटीसी मिली सेकंड बना। अब ये क्यों बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें। अब देखिए आपका प्रोजेक्ट कुछ भी हो, आप मेरे साथ मतलब मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के पास, ठीक है, जहां पर मेरा वर्किंग चल रही है, ठीक है, जहां पर मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं वर्किंग दिखा देता हूँ, मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई डेट चेंज कर रहा है तो मैं यूटीसी डेट बेसिकली हिडन में जा रही है मेरी, यहाँ पर यूटीसी डेट जाती है, यहाँ पर ओपन टाइम जा रहा है जो कि हिडन में जा रहा है, ऑफ टाइम मेरा जो जा रहा है हिडन में जा रहा है, बेसिकली ये हिडन में क्यों जा रहा है, यहाँ पर मैं मिली सेकंड्स में इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। यूजर को तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ सिंपल कि हाँ भाई तू 1:39 का सेट कर रहा है, यहाँ पर 1:23:38 का सेट किया है, बट मैं बैकग्राउंड में जो कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, मिली सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड योर ओपन टाइम एंड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर इन हिडन फील्ड्स के अंदर मैं मिली सेकंड्स कैसे स्टोर कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हाँ ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले डेट के ऊपर लगाया हुआ मैंने, जब डेट चेंज होती है, लाइक यहाँ से जब डेट चेंज होती है ना, लाइक मैंने 6 पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन ट्रिगर होता है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर क्लाइंट साइड से आप कुछ भी सेंड कर रहे हो यूटीसी मिली सेकंड्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है।
सिंपल डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसमें मेरी डेट आ रही है, और उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि 00 में कनकेटिनेट करके चल रहा हूँ, बट मेरा जो यूटीसी बनता है वो मेरा करंट डेट का बनता है। लाइक अगर यहाँ पर देखोगे इसका जो यूटीसी बना होगा, लाइक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके जस्ट नीचे ही होगा हिडन में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जून का है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 6, ठीक है, 6 जून 000 मीन्स जो आपको दिखाई दे रहा है 000 यहाँ पर ही चल रहा है, बेसिकली आवर्स मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू डेट, बेसिकली ये आपको फ्रंट एंड साइड पर करना है। क्या करना है, आपको अपनी डेट पास कर देनी है जिसका भी आपको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है, एंड अपनी टाइमिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डी डॉट गेट टाइम। गेट टाइम एक ऐसा मेथड है जो कि आपको क्या करके देगा, आपको लाइक मैं अभी इतना थोड़ा आपको डीबग करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको तब समझ में आएगा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या, डी डॉट गेट टाइम, ठीक है। अब देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको कंसोल पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और इस इवेंट पर देखिएगा मैं यहाँ पर जो है, देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 13 जून। अब यहाँ पर देख पाओगे गाइज, ये एक मीन्स यहाँ पर देख पा रहे हो इंटीजर में वैल्यू बनी है जो कि 1686 कुछ समथिंग बनी है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। लाइक मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली है आपका करंट मिली सेकंड, ठीक है, करंट मिली सेकंड जो कि बेसिकली ये है, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पर देखो ये बेसिकली इतना बड़ा नंबर मिला है आपको, इसका जो है अभी क्या हो रहा था, लाइक अगर आप, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब भी मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज एंटर कर रहा था तो मैं 000 एंटर कर रहा था लास्ट में, आपने गौर किया होगा, नहीं गौर किया तो आप प्लीज प्रीवियस मतलब थोड़ा मतलब पीछे जाइए तब देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट जो है यहाँ से आया, इसको मैं डायरेक्ट उठाता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरे को यहाँ पर 000 डालने की जरूरत नहीं हुई। अब 000 डालने की जरूरत क्यों नहीं हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैंने 13 जून सेलेक्ट किया था, 000 ये बन रहा है, ठीक है मेरा, तो यहाँ पर 13 जून ही मैंने सेलेक्ट किया था। लाइक अगर मैं यहाँ पर 29 जून सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा न्यू बन चुका है करंट मिली सेकंड, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डाल के, तो देख सकते हो 29 जून चेंज हो रहा है, ठीक है, 29 जून पर आपका जो कि आपको दिखाई दे रहा है 000, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको परफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आपने एक बात गौर की हो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1000 कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो, देखिए गैस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने सीनियर लोगों से सीखा है, कि कभी भी आप जो है जो मिली सेकंड्स में जो टाइम स्टोर करा रहे हो यूटीसी मिली सेकंड्स में, वो फ्रंट एंड से कराइएगा, कभी भी आप सर्वर से मत कराइएगा, ठीक है। सर्वर से इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि आपका सर्वर का कोई भरोसा नहीं है, आपका कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, बट क्लाइंट साइड से जहां पर भी आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है, जो भी आपका है, मैं इसलिए पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका यूटीसी मिली सेकंड से आपको कहाँ से स्टोर कराना चाहिए कहाँ से नहीं, ठीक है, सर्वर से कभी मत कराइएगा, ये गलती मत करिएगा कि आप सर्वर पर ही अपने मिली सेकंड्स को बना रहे हो फिर उसी को सेव करा रहे हो, यहाँ पर ये गलती मत करिएगा, ठीक है। क्लाइंट साइड पर क्रिएट करना है जो भी आपका मिली सेकंड बनना है और उसको डिवाइड कर देना 1000 से। अब आप बोल रहे हो 1000 से क्यों डिवाइड करें, क्या हम इसको डायरेक्ट स्टोर नहीं करा सकते, वरना मेरे को यहाँ पर जो है लाइक अगर मेरे डेटाबेस में देखोगे यहाँ पर इतना सा है, ठीक है, जिसके लास्ट में मेरे को 000 लगानी पड़ती है। लाइक अभी देखोगे यहाँ पर 1970 आ रहा है, बट मैं जब 000 लगा देता हूँ तब मेरा टाइम सही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हमें 1000 से डिवाइड करना जरूरी है, देखो नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरी मानो तो करके चलना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 1000 से मैं इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि सर्वर पर भी str2time नाम का एक मेथड होता है, लाइक str2time, ये बेसिकली एक PHP में होता है str2time, ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर कभी भी देखना सर्वर जो आपका बेसिकली मिली सेकेंड क्रिएट करके देगा यूजिंग दिस मेथड str2time, तो ये आपको डिवाइडेड बाय 1000 करके ऑटोमेटिकली दे देता है, ठीक है। बट इसलिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट साइड पर भी हम 1000 करके डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपके पास चॉइस है, आप क्यों रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी स्टोर करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं तो यही बोलूंगा कि आप 1000 से डिवाइड करके चलो, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरा मिली सेकंड्स में टाइम आया ये वाला जो टाइम था, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अब इसका जो बनेगा लाइक वो अभी आपको दिख जाएगा जो भी बनता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर बना मेरा ये, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सेम यहाँ पर डालूंगा तो देखोगे इसका भी 1970 आ रहा है जब तक मैं उसमें 000 नहीं लगा देता, 1 2 3, ठीक है, तो अब प्रॉपर आ रहा है, मीन्स ये हमारा परफेक्ट है। 1000 से आप डिवाइड करके चलोगे तो आपका सही चलेगा, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने क्या किया, यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया और आपका
जो मिली सेकेंड्स में टाइम था वो मैंने अपने सेट डेट में डलवा दिया। ठीक है, सेम मैं कंट्रोल एड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है इसलिए। अब मैं सेम क्या कर रहा हूँ, ओपन टाइम के लिए भी चेंज कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पर देखोगे इसके लिए भी मैं सेम कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मेरी डेट जो कि यहाँ पर से जो भी डेट होगी 29/6 जून जो भी समथिंग होगी, और जो मेरा ओपन टाइम है, जो भी मेरा ओपन टाइम यहाँ से आया लाइक 23:44 या जो भी आपको लगता है वो आपने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सिलेक्ट किया जो भी मेरा ओपन टाइम वगैरह बनेगा। फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डी डॉट गेट टाइम किया अगेन, उसको 1000 से डिवाइड किया और सेट ओपन टाइम कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसका भी देखना है लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखोगे कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी यहाँ पर देखो इसके पास ना कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ से अभी कोई टाइम नहीं सिलेक्ट किया। लाइक मैं 1 और 45 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो तुरंत की तुरंत इसमें वैल्यू आ चुकी है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसमें जाता हूँ करंट मिली सेकंड्स में, अगर यहाँ पर इसको डालता हूँ 000 ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे 29 जून 1:45, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 1:45 सेट किया था। सेम थिंग यहीं पर चल रही है, बट आपको जो है जब भी यूटीसी मिली सेकंड क्रिएट करना है तो आप अपने क्लाइंट साइड पर क्रिएट करो और यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट बाय डेट। ठीक है, तो डेट डेट का आप ऑब्जेक्ट बनाए डेट क्लास का। ठीक है, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका गेट टाइम मेथड यूज करें, क्योंकि आपको यूटीसी मिली सेकंड्स में टाइम दे देगा जिसको आप 1000 से डिवाइड करके अपने डायरेक्ट टीवी में स्टोर करा सकते हो। देखिए अभी मैं दिखा भी देता हूँ डायरेक्ट टीवी में कैसे जा रहा है मेरा। तो मैं आ जाता हूँ अपने अपॉइंटमेंट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली ये नहीं है, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए। अभी यहाँ पर क्या होता है, समझने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डेट जो है आ रही है मेरी सिंपल, जो सिंपल डेट है उसको मैं बाई एमडी में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, ये बेसिकली इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यूटीसी डेट आ रहा है, यूटीसी डेट आपका डायरेक्ट जा रहा है, ओपन टाइम जो आ रहा है वो भी आपका डायरेक्ट जा रहा है, ऑफ टाइम आपका डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि इनमें जो है मिली सेकंड है, ओपन टाइम की मिली सेकंड है, ऑफ टाइम की मिली सेकंड है, और डायरेक्ट मैंने जो है अपने डीवी में स्टोर करा दी। ठीक है, अब क्या होता है, बात तो ये आ गई कि स्टोर करा लिया, अब हमें शो भी तो कराना है। लाइक अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पर शो भी करा रहा हूँ। लाइक अगर मैं अपॉइंटमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा शो भी हो रहा है जो कि मेरा 11:30 वाला था। अभी शो कैसे हो रहा है टाइम जोन के बेसिस पर, क्योंकि हमने स्टोर तो करा लिया कि हमें डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका डी डॉट गेट टाइम करके हमें मेथड यूज करना है, एंड डेटाबेस में हमें एंट्री करवा देनी है 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, चलो वो काम हो गया। अब यहाँ पर शो कराने की भी बात कर लेते हैं, शो कराना थोड़ा आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि शो कराना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मैं देखूंगा शेड्यूल डेट, सबसे पहले तो मेरा ये मेथड, सॉरी ये बेसिकली मेरा क्वेरी जो है फायर हो रही है यहाँ से, शेड्यूल कॉलन कॉलन वेयर मंथ डेट ये चल रहा है, ऑर्डर बाय डेट डी एस सी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने ब्लेड के पास। ठीक है, जहाँ पर मेरे को शो कराना होगा, और शो कराने में भी ए एम पी एम जो आ रहा है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो जो कि आपका शेड्यूल डेट्स, आई होप आप अंडरस्टैंड तो हो चुके होंगे कि कैसे आपको सेट कराना है। सिंपल आपको मैं अगेन बता देता हूँ, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जिसमें आपका डेट जाएगी, और ओपन टाइम बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होता है जो कि आप डेट के अंदर पास करोगे वो ये होता है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर बता देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, कि डेट नाम का ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इसमें आपने पास किया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में पास होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में जो कि आपका होगा 2023 06 05 स्पेस 00, लाइक मैंने दे दिया 23 एंड 30 और कॉलन 00, या आपको जो भी लगता है सेकंड वगैरह दे सकते हो। ये आपका बेसिकली फॉर्मेट रहता है जो कि मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पर भी सेम ही पास कर रहा हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है डेट आ रही है यहाँ पर, और 000 में लगा करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मेट से आपको पास करना होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है गाइस कि शो कैसे कराना है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेट आ रही है, डेट को मैं नॉर्मली शो करा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे डेटाबेस में जो है नॉर्मली डली हुई थी, तो मैं डेटाबेस में नॉर्मली से शो करा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो इसको जो मेरा ये मिली सेकेंड था ना, इसको मैं कन्वर्ट करके डेट टाइम में, और सॉरी डेट में मैं शो करा देता। ठीक है, बट जो बात आ रही है वो मेरी आ रही है टाइम पर। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और डेट भी चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैं आपको ना एक फाइल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, TXT फाइल होगी। ठीक है, जिसके अंदर मैं बेसिकली ये मेथड प्रोवाइड करूंगा एक कन्वर्ट टाइम का, एंड कोई एक मेथड होगा इसमें से गेट टाइम करके या गेट डेट करके। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं इसको अपडेट करना बता दूंगा कि आप इसे कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है,
इस मेथड का काम क्या है बेसिकली, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। चलो मैं पहले नॉर्मली नीचे आ जाता हूँ जहां पर हमारी वर्किंग चल रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में से ओपन टाइम ले रहा हूँ, जो कि आपको पता है मेरा मिली सेकंड्स में स्टोर है ओपन टाइम डेटाबेस के अंदर, और ऑफ टाइम भी मेरा डेटाबेस में मिली सेकंड्स के अंदर स्टोर है। ठीक है, कभी भी आपको जो है फ्रंट एंड साइड पर अगर टाइमिंग शो करानी है तो यूजिंग JS ही करानी होगी, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही मिली सेकंड्स में क्रिएट किया था और उसके द्वारा ही हम लोकल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं इंडिया में हूँ तो मेरा इंडिया के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, अगर मैं कनाडा में हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कनाडा के हिसाब से जो है कन्वर्ट करके यहाँ पर शो करा देगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप क्लाइंट साइड पर ही हैंडल करके चलें, आपका जो यूटीसी मिली सेकंड है और यूटीसी मिली सेकंड को शो कराना। ठीक है, सर्वर साइड पर कुछ ना करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी, वरना आप आगे चल करके काफी बड़ी गलतियां करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन टाइम मैंने शो कराया हुआ है, गेट टाइम नाम का मैंने मेथड बनाया हुआ है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ अपनी मिली सेकंड पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक मेथड बनाया हुआ है गेट टाइम का, जिसमें क्या हो रहा है बेसिकली मिली सेकंड पास हो रही है, जो कि क्या करता है रिटर्न करता है आपको एक प्रॉपर वे में टाइम बना करके। ठीक है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक मेथड है जो कि गेट टाइम का है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, जो भी मेरी मिली सेकंड है उसको मैं पास कर रहा हूँ, जो कि मेरे डेटाबेस से आ रही है डायरेक्ट यहाँ से फैच होकर के, तो डायरेक्ट ओपन टाइम में गई गेट टाइम मेथड के अंदर, लाइक जो भी था वो आपका चला गया। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मैंने सिंपल मिली सेकंड पास कर दी है और फिर मैं इस मेथड के अंदर चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना इसलिए गाइस जरूरी है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लगाओगे तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो आपका करंट जो भी आपका डिप वगैरह चल रहा है, जो भी समथिंग चल रहा है, लाइक मेरा जो चल रहा था वो यहाँ पर चल रहा है स्पैन। ठीक है, मैं करंट स्पैन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा था, इसलिए मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना जरूरी था। ठीक है, तो ये लाइन को आप ध्यान से कॉपी कर लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना है स्क्रिप्ट के अंदर, जहां पर भी आपको शो कराना है टाइम जोन के बेसिस पर आपको टाइम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गेट टाइम के अंदर मेथड के अंदर चला जाता हूँ। अब देखिए ये मेथड कर क्या रहा है, बेसिकली ये वाला मेथड है गेट टाइम वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिली सेकंड इसमें ले रहा है, जो कि आपके डेटाबेस से आ रही है, लाइक ये वाली होंगी। ठीक है, समथिंग जो भी यहाँ पर डला होगा तो इसने ली। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब हम यहाँ से डलवा रहे थे, लाइक यहाँ से जब हम सेट कर रहे थे अपने यूटीसी मिली सेकंड, उसमें हम 1000 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब जब हम गेट करेंगे तो हमें 1000 से इंटू करना होगा। अगर गाइज मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1000 से इंटू नहीं करता तो यहाँ पर देखो मैं इसको शो करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो क्या शो होता मेरे को, मंगलवार मीन्स ट्यूजडे जनवरी 20 जनवरी 1970। अब 1970 में तो मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं 2023 में वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ, 000, जो कि आपको भी पता चल रहा होगा स्टार्टिंग्स में ऐड करता रहा हूँ 000, जब जाकर के ये मेरा जो है करंट वो बनता है जो मेरा स्टोर है यहाँ पर डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जब मेरी मिली सेकंड्स आई उनको मैं इंटू कर रहा हूँ 1000 से। ठीक है, तो प्रॉपर है। फिर मैंने क्या किया, डेट का एक मेथड कॉल किया जो कि गेट हावर्स है। ठीक है, अब हावर्स में मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो 9 से ज्यादा है तो उसमें मैं 0 को सॉरी 9 से ज्यादा है तो मैं सिंपल प्रिंट करा देता हूँ हावर्स को। लाइक आपको भी पता है अगर मैं ऐसा नहीं कराऊंगा, लाइक अगर वो 9 हुआ, लाइक मान के चलिए मेरा 9 घंटे का बैठता है, लाइक अगर मैं कुछ ऐसा है तो ऐड करा के दिखा देता हूँ। लाइक एक और मैं अपॉइंटमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जब आपको अंडरस्टैंड होगा। लाइक मान के चलिए 6 का किया मैंने, जो कि 3 का और 3 यहाँ से मैं थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा रख लेता हूँ, टाइमिंग लाइक 4 का रख लेता हूँ। ठीक है, 4-3, ठीक है, समथिंग शेड्यूल करता हूँ। शेड्यूल क्या, शेड्यूल्स पर जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखो कि 03 आता है, 03 क्यों आ रहा है। ठीक है, और 04 क्यों आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगाता, डेट ग्रेटर देन 09 मतलब 9 से ग्रेटर देन हावर्स, ठीक है, अगर मेरे जो घंटे हैं जो गेट हावर्स है अगर वो मेरा ग्रेटर देन नाइन होता है, मीन्स 10 होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 24 घंटे तक जो भी होगा, तो वो डायरेक्ट की डायरेक्ट मेरा प्रिंट हो जाए। वरना क्या हो, अगर वो 9 है या 9 मीन्स की वो 10 से लेस देन होगा या 9 होगा या 9 से लेस देन होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कनकेटिनेट कर रहा हूँ। अगर मैं ये 0 नहीं लगाता तो यहाँ पर ये 0 भी सोनी होती, बट ये एक फॉर्मेट होता है कि हमें 0 लगा करके चलना चाहिए, इसलिए ये मैंने इफ शॉर्ट एंड इफ एल्स यूज किया है। ठीक है,
सेम मैंने मिनट्स के यूज लिए यूज किया है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता तो यहाँ पर अपना बेसिकली डेट को भी गेट कर सकता था, लाइक डेट डॉट गेट गेट डेट, ठीक है, गेट फुल ईयर। मैं आपको अगर चेक करना है, लाइक मैं दिखा भी देता हूँ, अलर्ट करा के दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाए कि लाइक अगर आप निकालो तो लाइक डेट डॉट गेट डेट, ठीक है, एंड आपका आ जाता है गेट मंथ। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाता है आपका डेट डॉट गेट मंथ। अब गेट मंथ में क्या होता है, आपको प्लस वन करके चलना होता है, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, माइनस वन करके चलता है, मीन्स ये जीरो से स्टार्ट करता है, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डॉट गेट फुल ईयर, अब क्या होगा, ये आपको दिखा देगा जो भी आपका रहेगा, ठीक है। पहला आया 5/6/2023, ठीक है, दूसरा आता है 5/6/2023, ठीक है, और ये सॉरी मेरा बेसिकली वो बेसिकली ज्यादा चल गया था लूपिंग में, ठीक है, मतलब कि वो कॉल हो रहा होगा लूप, मतलब कुछ चल रहा होगा, प्रोसेसिंग जो भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ मेरे को समझ में आया क्यों चल रहा है डबल टाइम, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना नीचे मेरा दो बार कॉल हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ठीक है। लाइक मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो पहली बार आया जिसमें मेरा ओपन टाइम आया, ऑफ टाइम चला गया, 5/6/5/6 का था, ये 6/6/6/6 का था, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको डेट वगैरह निकालनी है तो आप डेट वगैरह इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया मेथड। तो ये था बेसिकली लेक्चर जिसमें आपको समझ में आया होगा, अगर यार फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, या मेरे इस लेक्चर में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो कमेंट जरूर करना कि भाई आपका कुछ अलग था टाइम जोन और कुछ फलाना दिखाना था, जो भी आपको लगता है, जो भी गुस्सा होता है आपके अंदर का, वो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आई होप आप इंटरेस्टेड रहे होंगे कि कैसे आप टाइम जोन को सेट करोगे, कैसे गेट करोगे, ये आपको करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट साइड, ठीक है, ना कि आप सर्वर साइड की ये करें, ये आप गलती कभी मत करिएगा कि सर्वर साइड पर आप चेंज करें, ठीक है। मैं ये आपसे बोलता हूँ, ठीक है, प्रोफेशनली होने के बाद एक्सपीरियंस जो मेरा है उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए, थैंक यू।